गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिर से बहुत दिनों के बाद जो भी हो, आज आया हूँ शेयर मार्केट के बारे में। तो आई होप आप में से बहुत लोग राकेश झुनझुनवाला जी को जानते हैं, जो कि शेयर मार्केट के एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने रिसेंटली ईटी नाउ के जो मैनेजिंग एडिटर है निकुंज डालमिया, उनको एक इंटरव्यू दिया है कि शेयर मार्केट तेजी से बढ़ने वाला है अगले महीनों में। एक तरफ कोरोना का मार, दूसरे तरफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, फिर ये आम्फान, निसर्गो, ये सब जो नेचुरल कैलामिटीज, तो इससे शेयर मार्केट बहुत मार खाया है। और उसके बाद भी क्यों बोल रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी? इतने पॉजिटिव होने का क्या कारण है? क्या हमें भी पॉजिटिव होना चाहिए? क्या चल क्या रहा है? अगले महीने में क्या चेंज हो सकता है जिससे मार्केट पॉजिटिव हो सकता है? और उनके हिसाब से कि सबसे बड़ी बुल रेस होगा। बुल रेस मतलब तेजी। इतना क्यों तेजी आने वाला है? तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा मैं। अंत तक देखते रहिए, अंत तक देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आई होप। और फिर आते हैं मेरे नए व्यूअर्स के लिए। पुराने व्यूअर्स जो है उन्हें तो पता ही है, मैं हमेशा दो शेयर ब्रोकिंग एजेंसी का नाम हमेशा कहता रहता हूँ। एक है, आप अगर फ्री में, कंप्लीटली फ्री में अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं और फुल ब्रोकरेज हाउस का सारा फैसिलिटी लेते हुए डिस्काउंट ब्रोकरेज देना चाहते हैं, तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलिए। लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे खोलेंगे तो कम्प्लीटली फ्री में मिलेगा। और आप अगर डिस्काउंट ब्रोकरेज में खोलना चाहते हैं, कंप्लीट डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस में खोलना चाहते हैं, तो आप जीरोधा में खोलिए, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा में फर्क ये है कि एक एंजल ब्रोकिंग में आप फ्री में खोल सकते हैं और जीरोधा में आप सिर्फ 200 रुपीज में खोल सकते हैं अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो, और 300 रुपीज लगेगा आप अगर ट्रेडिंग प्लस कमोडिटी अकाउंट खोलेंगे तो। ये एक डिफरेंस है। दूसरा है, एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा कोई, दोनों में कोई डिलीवरी का ब्रोकरेज वैल्यू नहीं है, लेकिन इंट्राडे में ब्रोकरेज है। और एंजल ब्रोकिंग का फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकरेज है एनी ट्रांजेक्शन, और जीरोधा का 0.03% या 20 रुपीज, विच एवर इज लेसर। 70,000 के कम करने से जीरोधा में 20 के कम आता है, ऊपर करने से दोनों में सेम है। अभी फुल ब्रोकरेज हाउस में क्या होता है, आपको मिलता रहता है बहुत सारे रिकमेंडेशन मिलता रहता है, टेक्निकल एनालिसिस मिलता रहता है, ये सारे कुछ बहुत कुछ मिलता रहता है। वो सेम चीज डिस्काउंट ब्रोकरेज में नहीं मिलता है, लेकिन जीरोधा में भी कुछ कुछ फैसिलिटीज है, जैसे कि जीरोधा वर्सिटी। जीरोधा वर्सिटी में आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज मिलेगा, जीरोधा का कॉइन, जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज मिलेगा। तो दोनों ही अच्छा है, दोनों ही बेहतर है। मैं बोलूँगा कि इनिशियली आप एंजल ब्रोकिंग में खोलो, खोल के देखो, क्योंकि ये फ्री में खोलता है और आपको वो लोगों का बहुत सारे ऑफर्स रहता है, देखो, खोलो, सीखो। उसके बाद जब फुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब दोनों जगह खोलो। 70,000 का ऊपर का ट्रांजेक्शन एंजल ब्रोकिंग में करो, 70,000 का नीचे का ट्रांजेक्शन जीरोधा में करो, तो आपको ब्रोकरेज भी बेनिफिट मिल जाएगा, फुल ब्रोकरेज हाउस का भी बेनिफिट मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा। सिर्फ 200 रुपीज खर्चा करो, एंजल ब्रोकिंग का फ्री अकाउंट और जीरोधा का 200 रुपीज का अकाउंट, दोनों अकाउंट मिला के आपको अल्टीमेटली जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये हो गया नए व्यूअर्स के लिए बोलना। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे, मुद्दे पे। तो राकेश जी को जब पूछा गया कि कोरोना के लिए जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसका मार्केट में क्या इफेक्ट हो सकता है, तो उनका मानना यह है कि कोरोना कैंसर जैसे बीमारी नहीं है। ये बीमारी में डेथ तो होती है, डेफिनेटली डेथ होती है, ये पैंडेमिक भी है, बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन ये उनके हिसाब से ये बीमारी में 60 ईयर्स के ऊपर और जिन लोगों का एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन से हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, या किडनी इशू, या लीवर इशू, या ऐसे जैसे इश्यूज है जिनके, उनके साथ बुरा होने वाला है ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ उतना बुरा नहीं होगा। तो इसीलिए उनका मानना है कि कुछ दिनों के बाद कोरोना का जो ये कर्व है वो फ्लैट होगा और इंडियंस उतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेगा पहले के तरह, सब कुछ फिर से हो जाएगा। और पहले की तरह सब कुछ फिर से हो जाएगा तो शॉपिंग स्प्री होगा, तो शॉपिंग स्प्री होगा तो शेयर मार्केट में तेजी होगा। ये उनके हिसाब से उनका मानना है, जो कि काफी हद तक सही हो सकता है, क्योंकि अनलॉक में ही देखो कि ऑलमोस्ट 50% टू 60% रेस्टोर हो गया है सारे चीज,
और वो दिखा भी रहा है, एक आइडिया भी दे रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, जो वो बोल रहे हैं वो सही हो सकता है। और राकेश जी का जो पहला प्रेडिक्शन था कि शेयर मार्केट वाला 40s को क्रॉस करेगा, तो वो सच हुआ। इस 3 महीने में अभी शेयर मार्केट सबसे ऊपर के पोजीशन में है। और राकेश जी को जब पूछा गया कि आपका जो प्रेडिक्शन सच हुआ कैसे, किस हिसाब से, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए 2008 में से अभी कॉरपोरेट्स काफ़ी बेहतर जगह पे है, और मार्केट बुल फेज में एंटर करने से पहले एक तो शेकअप देता है, ये 2018 में भी देखा गया है। तो ये सारे कारण से उनका प्रेडिक्शन था रिवाइव होगा, मार्केट करेक्शन होगा, करेक्शन होके रिवाइव होगा, बरीज को हटाएगा, और जो कि हम देख रहे हैं वो हो चुका है। उनका मानना है कि मार्केट एक एक्साइटिंग स्टेज में जाने वाला है और ये इंटरेस्ट रेट एक बड़ा रोल प्ले करना वाला है। तो उनको जब पूछा गया मार्च में लॉकडाउन में जो मार्केट गिरा था उससे वो क्या शेकअप हुए थे, तो उनका बात था कि सारे इन्वेस्टर्स की तरह वो भी शेकअप हुए थे, वो भी डर गए थे कि क्या होने वाला है मार्केट में। लेकिन मार्केट जो रिवाइव किया, जो फिर से पकड़ा, तो उससे उनको ये पता चला कि नहीं, ठीक होगा, सब फिर से ठीक होगा। और हालांकि हम देख भी सकते हैं कि हाँ सब फिर से ठीक हुआ है। उनको फिर से पूछा गया कि कोई भी इकोनॉमिक साइकिल के पहले स्टेज में अर्निंग का फॉल्स होती है, फिर बैंकरप्सी होता है, और फिर रिस्क कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के हिसाब से आ जाते हैं, तो इनको लेके उनका क्या मानना है। उनका मानना है कि बैंकरप्सी का कोई इंडिकेटर उन्हें नहीं दिखा, और SBI का मोराटोरियम स्टेटस भी बहुत अच्छा है, बाकी बैंकों से काफ़ी बेहतर है। और उनका मानना है कि दिसंबर तक NPA क्लियर होने वाला है। NBFC में गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण से कंसोलिडेट होगा उनका भी। अगर ये सब होता है, सही में प्रैक्टिकली ये सब होता है, तो मार्केट में काफ़ी सुधार आने वाला है और मार्केट तेजी ले सकता है। राकेश जी का मानना है कि मार्केट साइकिल का जो प्रेडिक्शन था वो गलत साबित हो चुका है, और कोरोना की वजह से जो डर फैला हुआ था वो भी काफी गलत साबित होते हुए दिख रहा है। PSU सेक्टर लेके उनका जो कहना था कि वो शेयर्स चढ़ेगी, वो शेयर्स बढ़ेगी, वो थोड़ा गलत साबित हुआ है अभी तक। तो इसके बारे में राकेश जी का मानना है कि जब अनलॉक होगा, जब सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, जब PSUs का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो हम पब्लिक को भी ट्रस्ट आएगा और तब पूरा एक्सपेंस बढ़ेगा, तो शेयर मार्केट में भी तेजी आएगा। और PSU के बारे में, गवर्नमेंट जब तक अनलॉक के बाद एक सही पॉलिसी नहीं लाता है, तब तक PSU शेयर्स का परफॉर्मेंस उनके हिसाब से नहीं होगा। बट अगर एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी लेके गवर्नमेंट आता है, तो PSU सेक्टर्स का भी बहुत ग्रोथ होने वाला है उनके हिसाब से। तो देखते हैं, वो तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन उनका ये मानना है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल वर्किंग के बारे में राकेश जी को काफी पॉजिटिव नहीं लगा। उनका मानना ये है कि इंडिया में ये उतना पॉपुलर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में जो घर से आके ऑफिस में जाके जो सोशल लर्निंग होता है, वो घर बैठ के नहीं होगा, ये है पहली बात। दूसरी बात है इंटरनेट स्पीड। इंडिया में एक एक जगह पे एक एक टाइप का इंटरनेट स्पीड है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा जो रीजन है, मेरे हिसाब से काफी सही रीजन है, कि इंडिया में होम साइजेस आर वेरी स्मॉल। जो अर्बन होम साइजेस बोल रहा हूँ, विलेज में नहीं बोल रहा हूँ, अर्बन में जो लोग रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, दो दोज होम साइजेस आर वेरी स्मॉल, और हमारा फैमिली बड़ा होता है, वी डू नॉट हैव प्रॉपर ऑफिस सेटअप। तो इससे क्या होगा कि हमें काम करने में दिक्कत होता है, मुश्किल होता है। तो इसीलिए वर्क फ्रॉम होम इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं होने का चांसेस है। और IT में डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन बाकी सेक्टर में उतना पॉपुलर होने का चांसेस नहीं है। और उनका मानना यह है कि वो खुद भी 30 जून के बाद से अपना ऑफिस रिज्यूम करेगा। और सिर्फ उनका ये मानना नहीं है, मेरा भी काफ़ी दोस्तों का, जिन लोगों का ऑफिस है, सेटअप है प्रॉपर, नौकरी छोड़िए बिजनेसमैन, मेरे तरह बिजनेस जो लोग करते हैं, जिनका प्रॉपर ऑफिस सेटअप है, वो लोग भी अपना ऑफिस खोलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मानते हुए अपना काम चालू करेंगे प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। तो ये काफ़ी सही लगा मुझे कि डिजिटल
वर्किंग या वर्क फ्रॉम होम इंडिया में उतना पॉपुलर तो नहीं होगा। और रियल एस्टेट और फार्मा सेक्टर लेके उनका प्रेडिक्शन तो काफ़ी सही था। उनका जो मानना था कि फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, और सही में फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कोरोना के वजह से जो इश्यूज आया, उसके लिए जो डिमांड्स आया, वो डिमांड को फुलफिल करते हुए फार्मा सेक्टर आगे बढ़ा और लास्ट 2-3 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया फार्मा सेक्टर। और उनके हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, और कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में तो फर्क पड़ने का बात ही नहीं है। तो राकेश जी का इंटरव्यू को एनालिसिस करें, या हम लोग अगर जैसे आप आज बात किए वो सारे बात अगर सही निकले तो शेयर मार्केट में काफी सुधार आने वाला है। और राकेश जी की तरह इन्वेस्टर्स अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर शेयर मार्केट का इन्वेस्टर्स हो तो मेरे हिसाब से आपको भी करना चाहिए। और लेकिन हाँ, मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि सोच समझ के करो, देख के करो, अपना खुद का एनालिसिस करो, उसके बाद करो। तो वो सारे एनालिसिस करके करिए, लेकिन शेयर मार्केट में मेरे हिसाब से भी तेजी आने वाला है, तो आप भी इन्वेस्ट कीजिए, ऑब्वियसली देख के कीजिए। और मार्केट के काफ़ी सारा अपडेट्स मैं ऐसे देता रहूँगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं मार्केट का अपडेट देता रहूँगा। तो मार्केट के अपडेट से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं क्या आप लोगों के लिए और क्या नया कर सकता हूँ वो बताइए, तो हम वो करेंगे। तो चलिए, आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।